ओला इलेक्ट्रिक की पहली ही बाइक 2023 में लॉन्च होगी। ओला इलेक्ट्रिक, जो कि भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में 52% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्तमान में अग्रणी है, यह बदल रही है और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर अपनी नजरें गड़ा रही है। जबकि उन्होंने अपने S1 Pro, S1 Air और S1 X इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ खुद को स्थापित किया है। ओला इलेक्ट्रिक वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। IPO के लिए अपने DRHP में ओला इलेक्ट्रिक ने कहा, हमने दिसंबर 2023 में ओला S1 X जोड़ की डिलीवरी शुरू की और वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही तक ओला S1 X और ओला S1 X की डिलीवरी शुरू करने की योजना बनाई है और वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में नए मोटरसाइकिल मॉडल डायमंड अहेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूजर की डिलीवरी शुरू करने की योजना है। यह आरंभिक लॉन्च एक बड़ी योजना में पहला कदम दर्शाता है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की महत्वाकांक्षा लंबे समय में अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो का विस्तार करने की है। ये रणनीतिक कदम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक ग्राहक आधार हासिल करने की स्थिति में रखता है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अभी भी एक खास क्षेत्र बनी हुई है, जहां कुछ स्टार्टअप्स के पास सीमित विकल्प हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस और बेहतर सुविधाओं और कम लागत के साथ अपने दूसरे पीढ़ी के स्कूटर प्लेटफॉर्म के निर्माण में विशेषज्ञता के साथ ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की स्थिति में है। उनके प्रवेश से परिदृश्य में बदलाव आने और भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने में तेजी आने की संभावना है। पिछली घोषणा में कंपनी ने 4 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की योजनाओं का खुलासा किया, ओला क्रूजर, ओला एडवेंचर, ओला रोडस्टर और ओला डायमंड अहेड। पिछले साल साइबर रेसर कॉन्सेप्ट के अनावरण के बाद ओला रोडस्टर के लिए उनकी हालिया पेटेंट फाइलिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजाइन पेटेंट रोडस्टर के लिए एक बोल्ड और स्पोर्टी सौंदर्य को दर्शाता है। इसमें एलॉय व्हील्स पर लगे चंकी टायर, USD फोक्स और ट्विन डिस्क ब्रेक सेटअप दिए गए हैं। एक स्लीक रैप अराउंड LED हेडलैम्प और टेंट कवर पर इंटीग्रेटेड LED विंकल्स इसके कंटेम्पररी लुक को पूरा करते हैं। हालांकि विवरण अभी भी गुप्त हैं, लेकिन पहले के साइबर रेसर कॉन्सेप्ट में रोमांचक फीचर्स की झलक देखने को मिली थी। एक फ्यूचरिस्टिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और चार्जिंग पॉड के साथ एक अनूठी 3-चरणीय सीट डिजाइन ने राइडर की दिलचस्पी को बढ़ाया। एक फ्लश फिट टेल लाइट यूनिट ने आधुनिक डिजाइन भाषा को और भी निखारा। ओला ने अपने सभी 4 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिससे बैटरी और मिड माउंटेड मोटर स्पेसिफिकेशन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। हालांकि प्रत्येक मॉडल अलग अलग सवारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग पावर और रेंज विकल्प प्रदान करेगा। ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन का वादा किया था। उनका दावा है कि आने वाली ओला इलेक्ट्रिक की बाइक में भारतीय मोटरसाइकिल पर अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी, साथ ही उनकी स्कूटर की तुलना में बड़े बैटरी पैक भी होंगे। कंपनी अपने मौजूदा स्कूटर रेंज में न्यूनतम 5 शेयरिंग पर जोर देती है, जो नवाचार और ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।